अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ आपका दोस्त मुगैस। तो आज जो है मैंने रैबिट के बारे में एक और वीडियो, और वही चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि जो है ब्रीडिंग इनकी स्टार्ट होने वाली है, और ब्रीडिंग ये स्टार्ट कर रही। तो मैंने जो है यहाँ पे ऊपर घास रखा था, और ये जो है दो फीमेल हैं जिन जो बिल्कुल अब ब्रीड पर आई हुई और बच्चे देने वाली हैं, और वो जो है अब नेस्ट बना रही हैं। ये देखें, दोनों फीमेल को मैंने इधर घास डाला है, तो ये दोनों फीमेल लगी हुई हैं, और जो सामने ही बिल्कुल इनके नेस्ट है उसी में ये घास लेकर जा रही हैं। तो ये दो फीमेल हैं, एक जो है मम्मा है और दूसरी उसकी बेटी है। दोनों ही जो है क्या नाम है ब्रीड पर आई हुई है। मैंने आपको बताया था कि चार पांच जो है प्रेग्नेंट हैं, वो बिल्कुल जो है ब्रीड पर आई हुई हैं और अब बच्चे देने के करीब हैं। तो अब जो है वो नेस्ट बनाएंगी और मतलब ब्रीड वगैरह करेंगी। तो ये मतलब इस तरह इतनी डरती नहीं है, क्योंकि मैं इनको जो है चोकर वगैरह डालता रहता हूँ और पास ही होता हूँ। तो ये जो है मतलब इस तरह करती हैं, मतलब बिल्कुल इनको डर वगैरह नहीं लगता, और मतलब बेधड़क होकर बनाती रहती। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो डर जाती हैं, जो मतलब नेस्ट वगैरह बना रही हूँ तो आप देखो तो डर जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मतलब बच्चों को नहीं देखना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जब ये बच्चे दें। मैंने सब चीज़ें आजमाई हैं, बच्चों को पकड़ा भी है, जब ये बच्चे दे रही होती हैं तब भी देखा है, बच्चे दे चुकी होती हैं तब भी देखा है। तो मतलब कोई मसला नहीं बनता। तो जो है ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये अब दोनों एक ही जगह पर नेस्ट बना रही हैं, तो मैं इनको तंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब एक ही जगह पर बनाएंगी तो दोनों ही फीड कराएंगी और जितने भी बच्चे होंगे जो भी होगा। तो ये देखें, अभी वो अंदर गई थी घास लेके, तो फिर से वापस आ गई है। अभी फिर से जो है क्या नाम है उठा रही और लेकर जाएगी और रखेगी। अब ये दोनों जो है एक बड़ी फीमेल है, फिर आगे उसने बच्चे दिए थे तो उसमें से वो बच्चे निकले, तो एक उसकी उसी की बेटी है। तो ये दोनों जो है फीमेल हैं, और साथ में ये जो है एक ये मेल है। मेल इतना बुरा नहीं है कि जिन्हें बार बार तंग करे, तो मतलब थोड़ा बहुत जो है वो करता है। और बाकी जो है इस तरफ ये मैंने चोकर डाला है इनको, चोकर सर्दियों में आप चोकर भूसा गंदम के दाने ये चीज़ें और बाजरा ये ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि कुछ चीज़ें खाते हैं तो ये जो है पेशाब कम करते हैं, और जगह गीली नहीं होती, और जगह जब गीली नहीं होती नमी वाली नहीं होती तो मतलब इनको ख़ारिश नहीं लगती। और अगर आप मतलब पत्ते वगैरह ज़्यादा देंगे तो पेशाब ज़्यादा करेंगे ये, तो फिर उसकी वजह से जगह गीली होगी तो ख़ारिश का मसला ज़्यादा बनेगा। तो अब जो है ब्रीडिंग शुरू हो गई है। मैंने आपको कहा था कि ब्रीडिंग सीज़न सर्दियों में ज़्यादा शुरू होता है, गर्मियों में तक भी बच्चे देते हैं ये, लेकिन गर्मियों में उस तरह की ब्रीड नहीं आती उनकी, क्योंकि गर्मियों में जो है मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, और मतलब ये सर्दियों सर्दी बिल्कुल इनको नहीं लगती। और बीच में एक इनके लिए बुरा मौसम होता है, जो मतलब होता है कौन सा आप कह लें, नमी वाला जो होता है, मतलब सावन का मौसम जो होता है। तो आपने नमी से हर वक्त इनको बचा के रखना, नमी जब नहीं होगी तो फिर ये ब्रीड करती रहेंगी और मतलब कुछ भी मसला नहीं बनेगा, मतलब नमी की वजह से इनको ख़ारिश लग जाती है। सेम वही चीज़ ये देखें, अब दोनों फीमेल धड़ धड़ लगी हुई हैं, घास लेके जाएंगी। मे भी शायद आज ही बच्चे दे दें, शायद जो है ये कल बच्चे दें, शायद 2 दिन बाद दें। कुछ फीमेल पहले ही नेस्ट बना लेती हैं, कुछ फीमेल जो है थोड़ा टाइम लगाती हैं। आप इनका पेट देखें और ये कितना बड़ा हुआ हुआ है, दोनों फीमेल्स का इसी तरह, दोनों एक ही साइज़ की हैं। इसकी जो ये बड़ी फीमेल है ये पिंडी से लेकर आया था, 1200 का जोड़ा वाइट रेड आइज़ का, तो इसने बच्चे वगैरह दिए थे। तो फिर वो जो अंदर गई है वो इसकी बेटी है, वो अब मतलब तकरीबन फर्स्ट टाइम तो नहीं है, उसका सेकंड टाइम है, पहले वो ब्रीड कर चुकी थी, फिर ब्रीडिंग सीजन से ख़त्म हो गया था, वो इतनी मतलब बड़ी हुई है जो वो टाइम लगा, फिर गर्मियाँ आ गई, फिर उसने ब्रीड वगैरह नहीं की। तो इस तरह की, और जैसी सेटिंग आपने बना दी होती है ना, वैसी सेटिंग को रहने दिया करें, दोबारा से आप जो है बार बार चेंज ना किया करें, क्योंकि जब चेंज करते हैं तो मतलब उन्हें अलग लगने लग जाता है कि ये हम कहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं कर चुका हूँ, चेंज वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फिर मसला बनता है। तो इसलिए जो है आप चेंज वगैरह ना किया करें, जहाँ पे आपने सेटिंग बना दी होती है उनकी वहीं पे सेटिंग को रहने दिया करें, तो कोई भी चेंज ना किया करें। एक ही दफ़ा जैसे सेटिंग की है तो बस एक ही दफ़ा बेहतर से सेटिंग करें, अच्छी वाली, कि दोबारा से फिर आपको फिर ना करनी पड़े। तो इसलिए जो है हर चीज़ पहले से एक दफ़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि फिर बाद में जो है आपके जानवर तंग होते हैं, फिर ये बच्चे देते हैं, फिर बच्चों को मतलब उस तरह जगह चेंज हो जाए एकदम से उनको वो लगने लगे, तो फिर वो फीड वगैरह नहीं कराते, तो इस तरह के कुछ मसले आ सकते हैं। तो जब तक ये नेस्ट बनाती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ इसकी। तो अभी मैंने घास और डाला है इसको, नेस्टिंग मटेरियल, तो ये अब लेकर जा रही है। कुछ मैंने उस तरफ रखा है, वो वहाँ पर लेके जाएगी। फिर ये जो है
देखिए आप, ये है बेटी और ये है मम्मा। मम्मा जो है लगी है नेस्ट बनाने पे। अब देखें पहले ब्रीड कौन करती है, मम्मा करती है या बेटी करती है। मम्मा को तो तजर्बा है पहले, क्योंकि वो ब्रीड करती रही है। बेटी का भी उतना तजर्बा नहीं, एक ही दफ़ा ब्रीड की है लेकिन उसके बच्चे मर गए थे, तब गर्मी थी तो उस वजह से नहीं। और दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे कहा था कि ये खोदना शुरू कर देते हैं, तो ये आप अंदर जगह देख रहे हैं, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई जगह खोदी हुई है। तो इन्हें पंजे चलाने का शौक़ होता है। और ये अब भूरी वाली जो ब्राउन वाली फीमेल है, ये भी प्रेग्नेंट है, तो ये भी अब खोद रही है। तो जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो तब बंदे को तजर्बा हो जाता है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ये वाली वो है। तो इस तरह से मतलब पहले मुझे भी नहीं था कुछ भी पता, फिर ऐसे ऐसे जब रखे हैं तो फिर जब रखता है बंदा तो तब ही तजर्बा होता है। वैसे नहीं होता कि आप कहें कि आप पहले तजर्बा हासिल करें और फिर पहले देसी रख लें, फिर जो है तजर्बा वगैरह हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्या बीमारी है क्या। बीमारी कोई ज़्यादा तो नहीं आती, ख़ारिश का ही एक मसला है या फिर पेट का कोई मसला बनता है इनको, तो बस इन दो चीज़ों से। पेट का भी इतना कोई मसला नहीं बनता। तो पेट का मसले का ये है कि आप जब भी इनको दें तो गालकोफाइव सीरप एक होता है, मैं पहले भी वीडियो में इनकी जो मेडिसिन वगैरह है उनमें भी दिखा चुका हूँ। गालकोफाइव एक सीरप होता है, वो हर एक जानवर के लिए होता है, तो वो जो है क्या नाम है, आप इनको दे सकते हैं गालकोफाइव। तो गालकोफाइव से मतलब पेट के कोई मसले वगैरह नहीं बनते हैं इनको, पेट जैसे फूल जाना, गैस हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं अक्सर, तो मतलब कुछ गलत खा लेते हैं कुछ इस तरह, तो वो फिर गालकोफाइव की वजह से ठीक हो जाता है, नहीं बनता। और गालकोफाइव आपने देना कैसे, मतलब 1 लीटर पानी में उस बोतल का ही एक ढक्कन, जो मतलब वो जो बोतल है ना गालकोफाइव की, उसका एक ढक्कन आप डाल सकते हैं। तो वो फक्की टाइप सी उसकी एक खुशबू होती है गालकोफाइव सीरप की, तो ये खा पीते हैं। और आपने देना कब है, मैं इनको रात को देता हूँ, क्योंकि रात को मैं इनको चोकर डालता हूँ। जब चोकर डालता हूँ तो ये चोकर खाने के बार बार जो है पानी पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं चोकर खाने के बाद, तो इसलिए मैं उस टाइम का फ़ायदा उठाता हूँ। उस वक्त इनके पानी में जो है मैं गालकोफाइव डाल देता हूँ, ताकि फिर साथ चोकर भी खाएंगे, साथ ये पानी पियेंगे, तो उस तरह दवाई भी उनके अंदर चली जाएगी तो ठीक होगा। तो ये चीज़ आप इस तरह कर सकते हैं कि मतलब जब चोकर डालें तब भी आप गालकोफाइव पानी में डाल के दें इनको, तो फिर ये साथ चोकर भी खाते रहेंगे। चोकर खुश्क होता है, गले में फंसता है थोड़ा, मतलब उस तरह का होता है, तो इस वजह से फिर ये मतलब पीते रहेंगे पानी साथ में, और वो दवाई भी चली जाएगी और मतलब काम बन जाएगा। वैसे सर्दियों में कम पानी पीते हैं, इतना गर्मियों में तो पीते हैं लेकिन सर्दियों में कम पीते हैं, तो मतलब इस तरह का आप कर सकते हैं ये चीज़। और ये देखें अब ये प्रेग्नेंट है, तो ये इस तरह जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ये फीमेल इस तरह खोदती रहती हैं। तो ये देखें अभी खोदने पे लगी हुई है, नेस्ट भी बना रही थी अपनी माँ के साथ। शायद इसके अभी कुछ टाइम रहता है, ये उतनी जल्दी नहीं बनाएगी, उसने शायद आज ही ब्रीड करनी है, आज बच्चे देने हैं, तो वो आज लगी हुई है। तो ये इस तरह का खोदना वाला काम करती हैं, ये देखें इस तरह का। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मैं सामने आऊँगा जब वो होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे करती हैं। तो ये जो भी प्रेग्नेंट होगी वो इस तरह करती रहेगी, या फिर सुस्त होकर बैठी रहेगी, या फिर खाती रहेगी, तो ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। अभी खोद के खुड्डा नहीं बनाएंगे लेकिन मतलब आदत से मजबूर, जब ब्रीड पराई हुई होती हैं तो इस तरह खोदती हैं। ये देखें ये लगी हुई, और ये देखें ये अब घास ले जा रही है बार बार, जितना इसको मिलता जाएगा अंदर, ये सही बड़ा सा घोंसला बनाएगी। इस तरह का कुछ इनका सिस्टम होता है, ये देखें जितना भी घास मिलता जाएगा ये मुंह में उठाती जाएगी। तो ये प्रोसेस मैंने आपको दिखाना था कि नेस्ट ये किस तरह बनाती हैं। ये देखें ये लगी हुई है, और इसका साइज़ देखें आप, इसका पेट देखें इतना बड़ा हुआ हुआ है। तो ये हर दफ़ा तकरीबन 7 बच्चे देती है, 6-7, पिछली जो जितनी दफ़ा भी दी हैं तो उसने तकरीबन 7 बच्चे दिए हैं। अब इस दफ़ा देखें कितने बच्चे देती हैं, जब ये ब्रीड करेगी बच्चे वगैरह देगी तो फिर वो वीडियो मैं फिर आप किसी और शेयर करूँगा। तो ये इस तरह का कुछ सिस्टम है इनका। ये घास ये खाते भी रहते हैं, जानवरों को भी डाला जाता है ये घास, और ये घास इतना नरम होता है कि मतलब इससे नेस्ट भी बन जाता है।
ये देखें ये चली गई अंदर। अब एक साइड पे इसको जोड़ती रहेगी, बड़ा सा घोंसला बनाएगी। फिर जो है जब घास ख़त्म हो जाएगा फिर अपने चेस्ट से बाल उतार के रखेगी। मे भी अगर इसने आज बच्चे देने हैं तो तब चेस्ट से बाल उतार के रखेगी, लेकिन आज अगर नहीं देने तो फिर जो है ये 2 दिन बाद या कल या फिर तब जो है इस तरह करेगी। और एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी कि जब ये प्रेग्नेंट होती हैं तो अगर मेल उनको तंग करे तो ये अजीब किस्म का साउंड करती हैं। तो अभी मेल जो है इसको थोड़ा तंग कर रहा था तो ये थोड़ा अजीब सा साउंड क्रिएट कर रही थी। मैं तो वो चीज़ भी कभी वाजह तौर पर सामने आई तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि वो कैसा होता है। अभी तो फिर ये नॉर्मल हो गया, अभी नहीं तंग कर रहा। तो जो प्रेग्नेंट होती है वही फीमेल जो है वैसी आवाज़ें निकालती है। तो ये सामने वाली जो फीमेल है ना, ये वाली ये प्रेग्नेंट है, तो ये वो उस तरह की साउंड निकालती है। अगर मेल इसके पास आएगा, इसको तंग करेगा, तो फिर उस तरह की आवाज़ें निकालेगी ये। तो ये होगी इनकी नेस्ट। नेस्ट इस तरह बनाते हैं ये, और जो है क्या साउंड होता है, क्या होता है, तो जैसे जैसे जो होता जाएगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। वीडियो लंबी होती जा रही है, नेस्ट जो है इसका कंप्लीट होना नहीं अभी। और ब्रीड जो है ये मे भी शायद आज कर देती, क्या पता नहीं करती। तो फिर जो है जैसे जैसे होगा तो फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या है। अब मैंने सारे वाइट रेड आईज ही रखे हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा है, ये आसानी से बिक जाते हैं। दूसरों में थोड़ा टाइम लगता है, आसानी से नहीं बिकते, तो इसलिए वाइट रेड आईज ही रखे हुए हैं। ये देखें इस तरह का कुछ आवाज़। वीडियो लंबी होगी, चलें ये देखें ये नेस्ट के अंदर गई हुई है। अभी बनाती रहेगी जब तक सेटिंग नहीं उसकी होगी। तो बस ये अब दिखाना था। अब थोड़ा सा घास जो है ये इस तरफ मैंने और रखा था, इस घास को भी उसके सामने उधर ही डाल देते हैं। तो उसने जितना जो है लेकर जाना होगा वो जो है जाती रहेगी। तो ये चीज़ हो गई। तो बस इस तरह का ये सिस्टम इनका चलता रहता है। ये अभी अंदर गई हुई है, जब नेस्ट वगैरह बन जाएगा फिर जो है ये ब्रीड वगैरह करेगी तो फिर मैं आपको इसका नेस्ट भी दिखा दूँगा और इसके बच्चे वगैरह भी दिखाऊँगा। तो चलें बस यही दिखाना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं जाता, ओके, अल्लाह हाफिज़।